बजट के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग डरने लगे हैं कि बाजार क्या वाकई क्रैश कर रहा है। थंबनेल को देख के तो आप डर गए होंगे, क्या मार्केट क्रैश कर रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में 800 पॉइंट के आसपास निफ्टी, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिर चुकी है। वजह क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। आज भी 17,200 के नीचे निफ्टी टच कर गई। फ्राइडे को मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की जो वीडियो आपको दी थी, उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली कहा था कि 17,556 अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। नीचे में बहुत सारे गैप हैं, 17,200 तक का गैप है जो फिल होना बाकी है, फिल होगा। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा, प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर आ रहा होगा और आई बटन पर भी वीडियो आ रही है। गाइस, मैं आपको ये लेवल्स इसलिए देता हूं ताकि आप अपनी स्टडी जब कर रहे होते हैं, अपनी जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, अपना प्लान बना रहे होते हैं, आपको कभी भी स्ट्रैटेजी ऐसे फॉर्म नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं किस इंडिकेटर पे काम करूंगा। मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर बाजार में, फॉर एग्जांपल, अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं, अगर ये भाव टूटा तो क्या होगा, अगर यहां से ब्रेकआउट आया तो मैं किसे काम करने वाला हूं, बैंक निफ्टी की मैं कौन सी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदने वाला हूं, कब कौन सी खरीदने वाला हूं, तो ठीक है, बट कौन सी ऑप्शंस खरीदने वाला हूं, किस समय, व्हाट वुड बी द आइडियल राइट टाइम। मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरे गेम प्लान होना चाहिए कि कहां और कब मैं एंट्री करूंगा, कौन से प्राइसेस के आसपास में आके मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, कौन से प्राइसेस पे मैं एवरेज करूंगा अगर मैं लॉस में हूं तो, और कहां पे मुझे लॉस बुक करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो ऑलवेज ट्रेड योर प्लान, डोंट ट्रेड योर इमोशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बाजार गिर क्यों रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। अमेरिका की अगर बात की जाए, ये एक कहानी शुरू होती है अमेरिका की उस एक्सपेक्टेशन से, जब अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा जॉब का डेटा कैसा आएगा। जो मार्केट के ज्ञाता हैं, जो मार्केट के विश्लेषज्ञ हैं, जी हाँ, वो सोच रहे थे कि जनवरी 2022 के महीने में जो जॉब एक्सपेक्टेशन डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव होगा और कम से कम 1.99 लाख, 1,99,000 जॉब्स नई फ्रेश क्रिएट होंगी यूएस मार्केट्स में। अब हुआ क्या, जनवरी 2022 के डेटा ने सबको सरप्राइज कर दिया। जहां एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की 1.99 लाख जॉब्स की, वहां पे जो जॉब्स है वो 5 लाख से भी ज्यादा आ गई। तो भाई एक बात बताओ, जब जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रोजगार बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्चेंगे, तो घबराने वाली क्या बात है। बाजार गिर क्यों रहा है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा रिलेशनशिप है कि बाजार ऐसे गिर रहा है। पेंडेमिक में जो हालत हुई थी पूरे वर्ल्ड की, वो सब इंप्रूव हो रही है, पूरे जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रही है। और कहीं ना कहीं मार्केट ये भी मान चुकी है कि अब कोविड या उसके कोई भाई बहन बाजार में शायद लोगों को उतना नहीं डराएंगे, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के असर, उनके सबकी एंटीबॉडीज हमारे शरीर के साथ में, हमारे दिमाग में बन चुकी है और अब इकोनॉमी का उतना ज़्यादा नुकसान कोई भी नहीं चाहता। तो बाजार के गिरने की वजह क्या है, मार्केट्स इंप्रूव कर रही हैं, सभी चीज़ें हैं। तो बाजार के गिरने की असली वजह है क्या, सब चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं मगर मार्केट खुलेगी, लोग कंज्यूम करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। जी हाँ, बाजार ने एंड में ऊपर जाना ही है। गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी में आपको ऐसे 4 पॉइंट देने वाला हूँ, 4 बातें बताने वाला हूं जो इस क्रैश में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं और आपको बाजार में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक प्रेस करके वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि एक आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, पूरे यूट्यूब के लोगों को ये बताएगा कि हाँ, इस वीडियो में दम है और यहां पर कुछ कंटेंट है जो आपके मतलब का होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल कौशिक और पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर हूं। मैं पिछले 5 साल में 5,000 से 1,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और हमारी मास्टर क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहली मास्टर क्लास हमारी वापस दिल्ली में होगी, तो जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, हमारे टच में रहे, दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर स्क्रॉल कर रहा है, वहां अपना मैसेज, अपना नाम छोड़ सकते हैं कि हम यहां से हैं, जब भी क्लासेस हो इन्फॉर्म कीजिएगा, तो हमारा डेटाबेस में हम आपको स्टोर करके रखेंगे और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारी क्लासेस रिलेटेड होगी आप तक सबसे पहले हमारी टीम आपको सबसे पहले पहुंचाएगी। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि मार्केट गिर क्यों रहा है। एम्प्लॉयमेंट ठीक है, सब ठीक है, इकोनॉमी तरक्की भी आ रही है, ट्रैक पे सब कुछ आ रहा है। इन सब चीज़ों से जो पिछले पैंडेमिक ने क्रिएट किया है वो है इन्फ्लेशन। जी हाँ, सबसे बड़ा दानव इस मार्केट का, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस मार्केट इज इन्फ्लेशन। जो बिगेस्ट एनिमी ऑफ दिस मार्केट इज इन्फ्लेशन। लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आता है, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, इन्फ्लेशन मार्केट में राइज हो जाता है। अब ऐसे के अंदर में जब ऐसी सिचुएशन आती हैं तो क्या किया जाता है, समझते हैं। ऐसे में बैंक्स क्या करते हैं, बेसिकली बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं, बाजार से पैसा निकल के लिक्विडिटी क्रंच होने लग जाती है, लिक्विडिटी जाती है सेफ एसेट्स
डेट्स में। अगर मान लीजिए इक्विटी के अंदर आपको 15% मिल रहा है और किसी डेट प्रोडक्ट्स में अगर आपको ठीक ठाक सा रिटर्न्स मिलने लग जाए, तो लोग कहेंगे यार थोड़ा सा रिस्की एसेट से पैसा निकाल के थोड़ा सा फिक्स्ड की तरफ चल पड़ो, बॉन्ड्स की तरफ चल पड़ो, फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ चल पड़ो, क्योंकि वहाँ पे पहले तो 4% मिलता था, अब 6% मिलने लग गया। तो 6% कंजर्वेटिव है बट अच्छा है, हमें लगता सही है। थोड़ा सा जैसे ही बॉन्ड मार्केट, यील्ड मार्केट, डेट मार्केट्स जैसे ही इंप्रूव करने लगती है, इक्विटी से पैसा निकलता है, ये हमेशा निकलता है, ये मार्केट का और डेट मार्केट का हमेशा से एक कॉम्बिनेशन रहा है, एक रिलेशनशिप रहा है। यहाँ भी फेड क्या करने वाली है वो जानना बहुत जरूरी है। अभी तक जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स को हाई करने का जो क्वांटम रहता था वो रहता था 0% से लेके 0.2% के आसपास, मैक्सिमम 0.25% तक के रेट्स हाइक हुआ करते थे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यूएस फेड इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 0.2 से नहीं 0.5 से इंक्रीज कर सकता है, हाई कर सकता है। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगी और लोग चाहेंगे कि इक्विटी की रिस्की मार्केट से निकल के हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव मार्केट्स में चले जाएंगे और पैसा इक्विटी से निकल के बॉन्ड मार्केट में जाने लग पाएगा। ये सबसे बड़ी वजह इस बाजार की। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके लिए वो ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे मार्केट्स में पैसा बना के दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट्स पे आने से पहले एक बात बताइए, आप बाजार को कब से देख रहे हैं? अगर आप 2 साल से, 5 साल, 10 साल से बाजार को देख रहे हैं, अगर इससे भी पुराने, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ताकि मुझे ही पता लगे मेरे व्यूअर्स कितने पुराने हैं जो बाजार में है। अगर आप कल पैदा हुए हैं मार्केट में, अगर आप 6 महीने पहले डीमैट अकाउंट खोला था तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट अगर आप थोड़े से पुराने हैं या पुराने डेटा को आपने स्टडी किया है तो आपको समझ में आना चाहिए। एक टाइम पर निफ्टी 1000 हुआ करती, 1000 से भी नीचे हुआ करती, आज निफ्टी 20,000 पे है, बाजार चलेगा। पहले भी इन्फ्लेशंस हुई हैं, पहले भी क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं, पहले भी गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं, पहले भी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, सब चीज़ें हुई हैं। बाजार हमेशा सेंसिटिव होता है न्यूज़ के लिए, बट न्यूज़ हो जाने के बाद बाजार में जो बड़े निवेशक हैं वो ऐसे मौकों को, ऐसे क्रैशेस को, ऐसी करेक्शंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हम और आप घबराते हैं, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बट बड़े निवेशक ऐसी चीज़ों को हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे और उनको लगेगा कि बाजार क्रैश हो, वो दुआ करते हैं बाजार क्रैश हो या करेक्ट हो, ताकि वो अच्छी चीज़ों को अच्छी वैल्यूएशंस पे परचेस कर सकें। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से अमीर बनना है, सोर्स ऑफ इनकम बनानी है या करोड़पति बनना है, तो आपको भी अपने डिसिप्लिन को चेंज करना होगा। अब 4 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता हूँ, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको बार बार रिमाइंड कराने के लिए कि अगर आपने ये 4 चीज़ें फॉलो कर ली तो मार्केट से पैसा कोई आपसे छीन नहीं सकता। मार्केट कैन में आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखे जाऊंगा जो आने वाले दिनों में हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन बने हुए हैं, आपको सब देने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। आपके पास इतना पैसा सरप्लस होना ही चाहिए कि जब बाजार में एवरेज करने का मौका हो आप एवरेज कर सके। उसके लिए क्या करेंगे? जब तक अपने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, पूरे पैसे को एक भाव पर नहीं झोंक देंगे, सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगा देंगे, या बिना स्टडी करे पैसा नहीं लगाएंगे, कितना पैसा लिक्विड रखना है, कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखना है, कितना पैसा इक्विटी में लेके आना है, जब तक ये मनी मैनेजमेंट करना नहीं सीखेंगे आप मार्केट की ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकते। तो पहले मनी मैनेजमेंट करा सके। एफडीज आपके पास होनी ही चाहिए ताकि जब बाजार गिरे आप उसको इमीडिएटली कैश करा सके। जब तक मार्केट में पैसा नहीं लग रहा है, आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा ही बढ़ेगा, पर बढ़ेगा कम से कम, बट जैसे ही ऐसी करेक्शंस आएंगी तो आप वाइट का पैसा, ग्रो किया हुआ पैसा ला सकते हैं बाजार में वापस इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी बात, बाय ऑन डिप्स। जी हां, हर कोई कहता है बाय ऑन डिप्स, बट कैसे? पैसा होगा, मनी मैनेजमेंट हो जाएगी, तो बाय ऑन डिप्स आप कर ही पाएंगे। आप सपोर्ट्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए, रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आपका 90% मार्केट आपको समझ में आ जाएगी। सारा सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमता है। जब जब आपको बाजार का मेजर सपोर्ट दिखाई दे वहाँ पे आप एवरेज करने की कोशिश कीजिए। जब जब आपके स्टॉक्स जब गिर गए हों, आपके पोर्टफोलियो में खराब रिजल्ट्स दे रहे हों, अगर वो मेजर सपोर्ट्स के पास आ रहे हैं तो आप उनको बाय करने में, एवरेज करने में कोई भी देरी मत लगाइए। वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, फिर थोड़ा समय बिताना है, बाजार चलना ही चलना है। एक नया बिजनेस जब हम करते हैं तो गाइस हम 2 साल उस बिजनेस से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। स्टॉक मार्केट से 2 दिन में एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों है? तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बाजार में भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव होइए। रिटर्न्स आती हैं, बहुत अच्छी आती है, कंपाउंडिंग की तरफ ध्यान दीजिए और बाजार में बड़ा पैसा है। तीसरी सबसे बड़ी एडवाइस, डोंट ट्रेड बाय टेकिंग लोन्स। भाई किसी से पैसा लेके मत आना, दोस्त से, भाई से, माँ बाप से, यार से, बैंक से, किसी से पैसा लेके मत आना इस मार्केट के अंदर में कि भाई मुझे दे दे, बाजार में से 20% निकालूं और थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा। अगर आप किसी और से पैसा लेके आएंगे तो आपके इमोशंस हमेशा डरे हुए रहने वाले हैं कि भाई मुझे उसको पैसा वापस देना है, उसको कुछ रिटर्न्स निकाल के देनी है, खुद भी कुछ कमाना है। तो ऐसे टाइम पे उस पैसे को कभी भी आप सही यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो नेवर एवर ट्रेड और इन्वेस्ट बाय टेकिंग लोन्स। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर फोकस ऑन डेली MTMs।
गाइस फोकस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जब तक आप आरओआई पे फोकस नहीं करेंगे, बड़े निवेशक, बड़े लोग, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, वॉरेन बफे हो, उनसे अगर बात करेंगे, उनके इंटरव्यूज को आप सुनने की कोशिश करेंगे, चाहे रामदेव अग्रवाल जी हो, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सब लोग दे टॉक अबाउट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं ये लोग बातें, क्योंकि इन लोगों को बाजार हमसे ज़्यादा मालूम है, हमसे ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं, हमसे पुराने इस मार्केट के अंदर में। अगर पुराने एक्सपीरियंस लोग, इतने सुलझे हुए लोग अगर आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज में, भाई प्लीज़ फोकस ऑन आरओआई रादर देन फोकसिंग ऑन डेली एमटीएम्स। डेली एमटीएम्स आपको आज कितना आया, आज कितना गया, जब तक ये कच्चा और खराब लालच आप बाजार से नहीं निकालेंगे, आप एक अच्छे निवेशक और एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं निफ्टी के अब कौन से सपोर्ट है, कौन सा सबसे बड़ा लेवल है जहां पे अब आपको ट्रेड करना चाहिए। आज के निफ्टी की क्लोजिंग को देखते हुए 17161 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ, बट उसके नीचे अगर ये टूटता है तो बाजार मेजर सपोर्ट लेगा 17030 के आसपास में। तो निफ्टी का 30 के आसपास मिलती है, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिएगा, उस समय का सिनेरियो देखिएगा, क्योंकि अब जो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट के बाद में, वो कल एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, वो कल का मार्केट बताएगा। कल एक नया पैनिक हो सकता है, नई एक्साइटमेंट हो सकती है, नई न्यूज हो सकती है, हमें कुछ नहीं मालूम, मार्केट इज ऑलवेज न्यूज ड्रिवन एंड सेंटीमेंट्स ड्रिवन। तो अगर हम वी गो बाय द नंबर्स, बिकॉज आई बिलीव स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम, तो अगर नंबर्स की बात की जाए तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर विच यू शुड फॉलो फॉर निफ्टी इज 17030। 17030 के नीचे बाजार निकलेगा तो सोचेंगे कुछ खराबी है, अगर बाजार 17030 को रिस्पेक्ट करता है तो हमें एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का एक कमबैक बाउंस बैक आप प्ले कर सकते हैं, जो एक ट्रेडर्स के लिए बहुत ही शानदार प्ले बैक होगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल है जिसको आपको वॉच करना चाहिए और कौन से सपोर्ट के आसपास में बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर सकती है। बैंक निफ्टी का इस वीक के लिए 38,220 will be acting as a mother of all supports. 38,200 hold agar ho jata hai to hum wapas 39,000 ke liye jaate hue dikhai denge, achcha khasa short covering aa sakti hai, achchi khasi bounce back dekhne ko mil sakti hai, but scenario kya hoga, kal ka trading ke din bahut hi important hai, jo log trade karna chahte hain wo 38,220 ko hold karke hi kaam karenge, agar wo hold hota hai market mein tab aage badhne wale, nahi to bazaar se ek baar pare rahenge, dekhenge, let this heat get settle, फिर नया पैसा लगाएंगे, फिर देखेंगे बाजार कहां चलने वाला है। गाइस आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की होगी, अगर आपको लगता है आप और आपके दोस्तों को या जितने भी लोग ट्रेडिंग फैटर्निटी से जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट फैटर्निटी से जुड़े हुए, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और एक लाइक दबा के ही आगे बढ़िएगा। गाइस आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।